चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आज जो टॉपिक है 4.5 लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने पहला भी कर लिया था 4.5.1 आयोनिक कंपाउंड्स, सेकंड भी हो गया था 4.5.2 कोवेलेंट कंपाउंड्स, सात पोलर और नॉन पोलर भी हो गए थे। आज हम इस लेक्चर में करेंगे 4.5.3 मींस के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, और साथ हम मेटल्स भी करेंगे 4.5.4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा व्यू लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, आपके पास डबल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है कि जो डोनेट करता है और जो एक्सेप्ट करता है वो अलग अलग हमारे पास नहीं होते, जिस तरह सोडियम और क्लोरीन में होता है ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे नहीं होता। जो डोनेट करता है जो एक्सेप्ट करता है उसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता रहता है और ये दोनों हमारे पास एक साथ रहते हैं, ये कभी भी हमारे पास अलग नहीं होते। सो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता देता हूँ, हमारे पास NH3 जो है अमोनिया, हम पहले भी इसके एग्जांपल ले चुके हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन बाइंड हो गए जबकि एक लोन पेयर हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर हम देखते हैं BF3 को, हमारे पास बोरोन ट्राईफ्लोराइड, BF3 क्या चीज़ है, हमारे पास बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों के 3 हमारे पास किसके साथ शेयर हो गए, फ्लोरीन के साथ अटैच हो गए। अब देखिए हमारे पास अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए हमारे पास ब्रोमीन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पे दूसरा अटैच हो गया, यहाँ पे हमारे पास तीसरा अटैच हो गया। अब देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन का बोरोन का इलेक्ट्रॉन सॉरी, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बोरोन का इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन का तो हमारे पास चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले मौजूद थे, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस फ्लोरीन का भी सेम यही केस है, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी सेम वही केस है, इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन बोरोन के पास 3 अपने थे, एक इस फ्लोरीन से आ गया 4, एक इस फ्लोरीन से आ गया 5, एक इस फ्लोरीन से आ गया 6, इसका ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है और ऑक्टेट के लिए इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे कम्प्लीट करेगा, ये जो नाइट्रोजन है इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है हमारे पास इसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाता है। रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो हमें कुछ इस तरह का मिलता है कि NH3 साथ हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, साथ हमारे पास ये BF3, ऐसे हमारे पास इस किस्म का स्पीशीज हमें मिलता है। अब ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये बॉन्ड बना कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में शेयर रहता है, जिसकी वजह से रिजल्ट में दोनों जो मॉलिक्यूल हैं NH3 और BF3 दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, और इस एज अ होल स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं एडक्ट। बात क्लियर हो गई है। सो चूंकि पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही हमारे पास, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, ये हमारे पास पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर 2 एटम्स के बीच में शेयर होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स कभी वाटर में आयोनाइज नहीं होते। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये वाटर में क्या चीज़ नहीं बना सकते, आयंस नहीं बना सकते। हाँ, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं जैसे बेंजीन है, ईथर्स वगैरह, ये उसमें सोल्यूशन बना लेते हैं। बात क्लियर हो गई। और ये हमेशा हमारे पास रिजिड फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल सख्त किस्म के होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, और इसमें डायपोल हमेशा डेवलप होता है। सो ये सब हमारे पास सिंपल सा व्यू है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स का। इसके बाद हम चलते हैं मेटल्स की तरफ कि मेटल्स हमारे पास क्या चीज़ है। मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कौन से हैं,
ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम मेटल्स कहते हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप टू के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास है ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12, इसमें हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। और मेटल्स जो होते हैं हमेशा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते होते हैं, मींस के कैटायंस बनाते होते हैं। बात क्लियर हो गई। और इसकी जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा जिसके हमारे पास यूज़फुल है वो क्या चीज़ है कि मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी गिवन है, दे शो मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर मतलब कि शाइन शो करते होते हैं, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी, ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मेलिएबिलिटी हम किसको कहते हैं कि अगर हम मेटल से शीट बना सकें, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। सेकंड डक्टिलिटी है, अगर मेटल से वायर बनाए जा सकें तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। सो मेटल से शीट भी बनाए जा सकते हैं, इससे वायर्स भी बनाए जा सकते हैं, तो मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, हमेशा जो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, चूंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, साइज़ बड़े होने का क्या मतलब है, सिंपल एक व्यू दे देता हूँ मैं आपको। साइज़ बड़े होने का मतलब ये कि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होता है। किस वजह से कम होता है, ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ ले लेते हैं और अपना हिस्सा जो असल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा। किसकी वजह से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज़्यादा होगी। बात क्लियर। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम है तो इजीली रिमूव किया जा सकेगा, आप थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करेंगे आसानी से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। सो मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूविंग के बाद हमारे पास सब मेटल्स क्या बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मीन्स के कैटायंस बन जाते हैं, ठीक। लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। किस वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड मेटल्स। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।